बताओ कि तुम मेरी कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। क्या बात है आदरणीय, हमारे हमारा बैच जो है ये हमारी खुशकिस्मती है कि नाल पे हमारे नारायण जी हैं। वाह। एक तरफ बुंदेला जी ठाकुर साहब गोविंद है, वाह, और मिश्रा जी श्री कामद मिश्रा जी हैं। जय हो। मतलब नारायण गोविंद और कामदगिरी भगवान कामद जी के रूप में है। मतलब कुल मिला के इन देवताओं के बीच में केवल मैं ही असुर हूँ जो स्वर से नहीं गा पा रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूंगा इस बैच को बार बार भगवान से, जय हो, हमेशा सुरक्षित रहे। सुनिएगा, जय हो महाप्रभु। एक बार कहा भोले बाबा ने, मैं तुमसे बातें करूं और तुम बैठी मौन। माता भवानी से कहा कि देवी व्यापी आपको आखिर चिंता कौन। जब ये सवाल कर दिया तो माता गौरा कहने लगी, क्या बने के गौरा बोली, चिंता दिन रात खाए जात है। भोले बाबा ने कहा आखिर चिंता क्या है। गौरा बोली, चिंता दिन रात खाए जात है। अरे भोले बाबा अब हमें कछु न सुहाए। सवाल कर दिया, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। भोले बाबा ने कहा, अरे गौरा अभी तक तो तू कहती थी कि जन्म जलम नो रगड़ हमारी, पर हूं शंभु नतर रहूं कुंवारी, और आज पूछ रही है कि तुम मेरे कौन हो। माता गौरा ने कहा, हाँ प्रभु, कुछ शंका मेरे दिल में है। आदरणीय नीलम जी, प्रश्न नहीं है ना बेटे, केवल एक शंका है। कहा माता गौरा ने, क्या बेटे, ओ हमारी है नारायण। देखिए कैसी जोड़ी है, कैसे के आधा अर्धांगिनी के रूप में रहती हूँ। वाह। आधा नर है और आधी नारी है। वाह बेटे। लेकिन प्रभु मुझे एक शंका है। क्या बेटे,
के मरूं बार बार, काया मर तुम्हारी है। आखिर ये क्यों है? क्यों है? भोले बाबा ने कह दिया तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसी बात को लेके माता भवानी बैठी हैं कि अगर मैं अर्धांगिनी हूं तो ऐसा क्यों है? क्यों? कि मरूं बार बार, काया मर तुम्हारी है। अरे जोड़ी अनमेल जुड़ी कैसी ये हमारी ये? अरे मैं कैसी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ कि आधा अंग जिंदा रहता है, आधा अंग मर जाता है। वाह, ये कैसा आधा अंग है जो अर्धांगिनी बता रहे हो? कि मरूं बार बार, काया मर तुम्हारी है, जोड़ी अनमेल जुड़ी कैसी है हमारी। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? भोले बाबा ने फिर कह दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फालतू की बातों में रखा क्या है? चलो प्रेम से राम का भजन करते हैं। लेकिन माता भवानी ने कहा नहीं, नहीं, मुझे आज इन सवालों का जवाब चाहिए जो शंका मेरे मन में है। देखिए दूसरी बात क्या बने। ओ जब मैंने काली रूप धारा था तो तारका सुर को जाके संहारा था। तारका सुर को जाके संहारा था। तारका सुर को जाके संहारा था। भोले बाबा वहां पे भी एक शंका मुझे मिल रही है। वो शंका कैसी है? कैसे? कि हुआ मुझे क्रोध प्रभु जान लिया आपने। अरे हुआ मुझे क्रोध प्रभु जान लिया आपने तो भोले बाबा आके दुग्ध पान किया आपने। जब मैंने क्रोध किया तो मेरे क्रोध को आप दूध के रूप में पी गए एक बच्चा बनके। और जब आप बच्चा बनके मेरा ही दूध पान कर गए तो मेरे दिल में एक शंका आ गई। हुआ मुझे क्रोध प्रभु जान लिया आपने, भोले बाबा आके दुग्ध पान किया। तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? माता भवानी ने जब फिर शंका कर दी कि आप मेरे पति हैं या फिर आप मेरे पुत्र हैं, शंका केवल एक चीज बताइए, आप मेरे कौन हो? कौन हो आखिर तुम मेरे कौन हो? ये बात देखिए, तीसरी बात सुनिए सुनिए आया था। बोले केवल नारद जी आए थे और कोई नहीं आया। बोले बाबा समझ गए सब, नारद जी की पट्टी पढ़ाई हुई है। क्योंकि ये शंकाओं पे शंकाएं बार बार कर रही है गौरा, तो देखिए फिर एक शंका बता रही है। क्या बने? ये क्या है? ये कौन सा साज है भाई साहब? ये का बज रहा भैया? बहुत देर से परेशान है। ओ सेवा में राम जी के आए थे तो साथ में प्रभु जी मुझको भी लाए थे। जब कहा माता भवानी ने कि आप जब हनुमान जी के रूप में आए प्रभु तो साथ में मुझको भी लाए थे,
भोले बाबा ने कहा ये तो सत्य है, लेकिन इसमें शंका करने की क्या बात है? आप मेरे साथ में तो हमेशा रहती हैं, लेकिन शंका देखिए प्रभु को क्या बताया। क्या बने? देखिए माता भवानी बता रही हैं कि वहां पे भी शंका एक आई त्रिपुरारी है कि मेरी और आपकी एक महतारी है। क्या बात बने? शंका इस बात की है कि एक ही गर्भ में रहने वाले दो संतान, एक ही गर्भ में रहने वाली दो संतानें पति पत्नी नहीं हुआ करती, भाई बहन हुआ करती हैं। अब प्रभु इसी बात की तो शंका है कि यहाँ पे भी शंका एक आई त्रिपुरारी है, मेरी और आपकी एक महतारी है। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? एक लाइन और रह गई है, फिर बाद में माइक की चेंज कर लेना। बिल्कुल भाई साहब। देखिए आदरणीय नीलम जी, प्रश्न नहीं है, केवल शंका इस बात की है माता भवानी को कि अगर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ तो ये आधा अंग जिंदा रहता है, आधा अंग मर क्यों जाता है? भोले बाबा ने कह दिया मैं तुम्हारा पति हूँ, तो माता भवानी ने कहा तुमने मेरा बच्चा बन के दुग्ध पान किया है तो तुम मेरे बच्चे हो के पति हो, एक ही गर्भ में हम दोनों रहे हैं, तुम मेरे पति हो के भाई हो। अंतिम बात सुनिए, जब माता रानी ने इतना सब कह दिया भोले बाबा को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही भोले बाबा ने कह दिया कि जब मैं कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पति हूँ, पति हूँ, पति हूँ, माता भवानी ने कहा बड़ी दुहाई दे रहे हो पति जी, जरा द्वापर युग की बात सुनिए। सुनिए ओ युग द्वापर का आया है, बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे पति हैं, तो जरा एक द्वापर युग की बात सुनिए। सुनिए ओ युग द्वापर का आया है तो आपने मुझको किसने बनाया है? आप मुझे किसन बना के लाए हैं और आप प्रभु आपने राधा मेरी प्रीत तो निभाई है, आपने राधा मेरी प्रीत तो निभाई है, तो लाल चंद ब्रह्मा जी ने भावरे पराई है। इस बात के गवाह हमारे ब्रह्मा जी हैं कि भांडीर वन में हमारी तुम्हारी शादी कराई है और उस समय मैं कन्हैया हूँ और तुम राधा हो। ये बात जो बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, जरा द्वापर युग में सुनिए। सुनिए आपने राधा मेरी प्रीत तो निभाई है, लाल चंद ब्रह्मा जी ने भावरे पराई है, तो प्रभु आप बताइए, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? पति हैं या आप मेरे पुत्र हैं या आप मेरे भाई हैं या आप मेरी पत्नी हैं, क्योंकि मैं कन्हैया बनी हूं और तुम राधा बने हो। केवल शंका है, प्रश्न नहीं है। सुनिएगा, गौरा बोली चिंता दिन रात खाए जाते, अरे भोले बाबा अब हमें कजू न सुहाते, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो?
नहीं, बड़े भैया आपने कहा कि अच्छे अच्छे मंडल नहीं गाते हैं। हाँ। बड़ा टेढ़ी खीर है इस गाने को गाने। बिल्कुल। आइए, एक बहुत सुंदर सवाल आया है। कहा है आपने क्या चल रही है। माता भगवती पार्वती बार बार कह रही है क्या कि ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। अगर आप मेरे पति हैं, मैं अर्धांगनी हूँ तो आधा शरीर मर जाता है और आधा जीवित है, तो ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। क्या बात है। आप जब हनुमान जी रूप में आए हैं तो एक माँ बाप से हमने जन्म लिया है, तो ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। काली बनकर जब मैंने क्रोध किया, आपने मेरा स्तनपान किया है, तो हे भोलेनाथ आप बताइए आप मेरे बालक हैं या पति हैं, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। आइए बड़े भैया, आपने कहा है उसमें शंका चल रही है। अब जब शंका चल रही है तो जब भोलेनाथ शंका का समाधान नहीं कर पाए तो हम बच्चों की क्या औकात है कि माता रानी के शंका का समाधान कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, एक प्रसंग मिला है। जैसे ही माता रानी को शंका कर रही है भोलेनाथ पर, आइए एक प्रसंग और मिला है, आपको जवाब के रूप में दे रही हूँ। आपने गीत प्रारंभ किया और गीत को छोड़ दिया द्वापर युग में। जब द्वापर युग में छोड़ दिया तो आइए बड़े भैया वहीं से जवाब दे रही हूँ। एक दिन गोलोक में सतसृंग पर्वत पर भगवान कन्हैया और राधा रानी विराजमान हैं, तो राधा रानी के स्वयं कन्हैया पैर दबा रहे हैं। कन्हैया पैर दबा रहे हैं और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, बड़ी विलक्षण बातें मिलती हैं। तो कहने लगे, एक दिना गोलोक में कहने लगे घनश्याम, अलग अलग रूप में मिलती आप ललाम। शाबाश। कहने लगी राधा रानी, तो कहना पड़ा क्या, आप अलग अलग रूप में मिलती हैं राधा रानी। तो कन्हैया कहने लगे, राधा रानी मेरे हृदय में एक शंका है, एक शंका है, जब जब मैंने अवतार लिया है आप मेरी सहयोग करने के लिए आई हैं, लेकिन एक शंका है। क्या? सुनाने रहे, कहने लगे क्या, हो मैंने तुमको ही पूजा है, तुम
तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, तो ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो। ये राधा रानी से कन्हैया शंका कर रहे हैं, ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो। उधर माता भोलेनाथ से कह रही है समानी भैया, और इधर राधा रानी से कन्हैया कह रही है। क्या बात? जब इतना सुना तो कहने लगी राधा रानी से, क्या कहा? राधा, एक नहीं अनेक कथा मिलती है। जब मेरा मेरे भाइयों का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति माता ने प्रकटा दिया और हमको पीपल के पत्ते पर लिटाकर जब माता प्रस्थान कर गई, तो प्रस्थान कर गई तब आप वहाँ लालन पालन करने के लिए स्वयं आई। क्या बात है? स्वयं आई तो मेरी पंक्ति कह रही है, बाबड़िया हो मेरी माँ महामाया है, मेरी कौन हूँ, क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आइए एक बंद और सुनिएगा, फिर एक शंका दिखा दे भगवान कन्हैया ने। हो सहयोगिका के रूप में आई, तो कहना पड़ा क्या? बन करके राधा आप वहां आई है, बन करके राधा आप वहां आई है, बन करके राधा आप वहां आई है, तो कहना पड़ा क्या? बन करके राधा जब आप आई तो स्वयं ब्रह्मा जी ने हमारी भावर पर आई, वो भी भांडीर वन में, तो कहना पड़ा क्या?
पत्नी के रूप में तुम्हें मैंने पाया है इस धराधाम पर, कि पत्नी के रूप में मैंने तुम्हें पाया है, रिश्ता ये सबके सामने न आया है। कि पत्नी के रूप में मैंने तुम्हें पाया है, लेकिन रिश्ता सबके सामने न आया है। तो ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, बताओ कि तुम मेरी कौन हो, मेरी कौन हो, मेरी कौन हो। आइए बहुत ही शीघ्रता में एक छोटा सा गीत अपनी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।